बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम ऑल डियर फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वली टीवी और आज की हमारी वीडियो का टॉपिक गूगल एडसेंस के रिलेटेड है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि हमने गूगल एडसेंस पर अकाउंट क्रिएशन कैसे करनी है। तो गूगल एडसेंस के बारे में मैं आपको बता दूँ कि गूगल एडसेंस बेसिकली है क्या चीज़। जैसा आप डेली लाइफ में अपना गूगल यूज़ करते हैं तो गूगल की बहुत सी मतलब और भी मतलब वेबसाइट्स हैं जिसको हम अपने डिफरेंट वेज में यूज़ करते हैं। लाइक आपने अभी मेरी चैनल की कोई वीडियो खोल ली है या किसी भी चैनल की कोई वीडियो खोल ली है तो आपको पहले पहले या किसी भी किस्म की कोई वेबसाइट की खोलते हैं तो आपको एक एड्स वगैरह नज़र आते हैं। तो गूगल एडसेंस ने वो एड लगाए होते हैं जिसकी वजह से यूट्यूबर को या जो ब्लॉगर होता है जिसकी वेबसाइट होती है, जो भी ब्लॉगर है उसको उस चीज़ की पेमेंट मिल रही होती है। तो ये होता है एडसेंस का काम जो एडसेंस करता है। अपना मतलब आपने डेली लाइफ में इस चीज़ को नोट किया होगा कि आपने कभी भी किसी किस्म की कोई वीडियो ओपन की है, उसके ऊपर पहले ऐड आता है, देन उसकी वीडियो ओपन होती है, तो वो मोनेटाइजेशन होती है बेसिकली। तो हमारी जो नेक्स्ट वीडियो है वो हमने चैनल की मोनेटाइजेशन पर बनानी है कि हमने चैनल के बाद मोनेटाइजेशन कैसे ऑन करनी है, कैसे हमने मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करना है। लेकिन फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमें उसके लिए गूगल एडसेंस अकाउंट चाहिए होता है। तो गूगल एडसेंस अकाउंट कैसे बनाते हैं वो मैं आपको पहले बता देता हूँ, देन इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये बताऊँगा कि आपने अप्लाई कैसे करना है मोनेटाइजेशन के लिए। तो वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो आज का जो टॉपिक है वो है आपने अकाउंट क्रिएशन कैसे करनी है गूगल एडसेंस पर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने यहाँ पर गूगल एडसेंस ओपन कर लेना है। तो ये मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पर ओपन है। गूगल एडसेंस एक बहुत बड़ी दुनिया की कंपनी है जो के एड्स रन करती है। आपने अपनी किसी भी किस्म की ब्लॉग की या अपने चैनल की या किसी भी किस्म की वेबसाइट की एडवर्टाइजमेंट करनी होती है तो आप इसके थ्रू करते हैं। तो इसके ऊपर आपने अकाउंट कैसे क्रिएशन करनी है। तो गेट स्टार्टेड अप पे आपने क्लिक कर लेना है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो मैं अपने अकाउंट से इसको साइन इन करता हूँ। तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये पूछ रहा है कि जिसके ऊपर इसने आपके एड्स चलाने हैं, ये उसका पूछ रहा है कि आपकी साइट कौन सी है। वेबसाइट अभी हमारे पास नहीं है। तो आपको ये किस कंट्री में पेमेंट देगा ये उसका भी हमने यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो हमारी कंट्री पाकिस्तान है, हमने पाकिस्तान को सिलेक्ट कर लिया पाकिस्तान, ठीक है। हमने अपना रीजन सेलेक्ट कर लिया, देन फिर हमने गेट मोर आउट ऑफ एडसेंस या सेंड कस्टमर हेल्प पर सजेशन आई डोंट। आपने फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। तो आप देख सकते हैं हमारे पास गूगल एडसेंस का अकाउंट क्रिएट हो चुका है। अच्छा, अब इससे हमने अर्निंग कैसे करनी है, इसकी डिफरेंट वो सब कुछ मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगा कि हमने इसके थ्रू अर्निंग कैसे करनी है। बिकॉज हमने इसके थ्रू ऐड चलाने हैं, जो ऐड चलेंगे उसकी जो पेमेंट होती है, हमारी जो मोनेटाइजेशन है, ये हमें गूगल एडसेंस देता है। जो ऐड चलाता है, जो ऐड चलने को बेसिकली मोनेटाइजेशन कहते हैं। और वो यूट्यूब पर जैसा कि आप जानते हैं 4K वॉच टाइम, 1K सब्सक्राइबर मिनिमम रिक्वायर्ड होते हैं किसी भी चैनल को उसकी मोनेटाइजेशन के लिए। तो हमने फर्स्ट एक चैनल पे मोनेटाइजेशन ऑन करनी है तो उसके लिए हमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल अकाउंट क्रिएशन चाहिए। तो मैंने आपके सामने बिल्कुल ज़ीरो से एक अकाउंट क्रिएट किया है। अब इसके थ्रू हम उसको उसके ऊपर मतलब लॉग इन करेंगे एंड जब हम उसके ऊपर मोनेटाइजेशन ऑन कर लेंगे फिर ये दोनों कनेक्ट हो जाएंगे। ये गूगल एडसेंस हमारे उस चैनल पे ऐड चलाएगा और ऐड से हमें अर्निंग होगी, वो हमारी नेक्स्ट होगी वीडियोस पे मैं आपको दिखाऊंगा। अच्छा, आपको मैं एक और बात बताता चलूं कि आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर एडसेंस लगाना है या चैनल के ऊपर एडसेंस लगाना है तो आपने एक चीज़ को यहाँ पर मेंशन कर लेना है, क्योंकि रिसेंटली यूट्यूब ने एडसेंस ने डिसेबल किए हैं अपने अकाउंट। वो किस वजह से किए हैं कि यूक्रेन और रशिया की जो मतलब वॉर चल रही है उसके रिलेटेड, ये आपने यहाँ पर सबसे पहले इन्होंने मेंशन किया हुआ है। इस चीज़ के रिलेटेड आपका कोई भी कंटेंट है वो मोनेटाइज नहीं होगा। इन केस वो मोनेटाइज हो भी गया
तो आपको वो डिसेबल कर देंगे। तो ये कुछ पॉलिसीज़ हैं जिसके थ्रू आप मतलब इससे मोनेटाइजेशन लेंगे, क्योंकि इसकी पॉलिसीज़ के अगेंस्ट जाएंगे तो आपको अपना नुकसान है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।